अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रिंसिपल ऑफिसर एंड टाउन ऑफिसर के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और उस हवाले से कुछ मेरे चार पांच स्टूडेंट्स ने इंटरव्यूज़ दिए हैं और उन्होंने सवालात जो है वो मुझसे शेयर किए और क्या सीक्वेंस था इंटरव्यू का, वो तमाम चीज़ें शेयर किए। वो एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या जो सीक्वेंस होता है यूजुअली इंटरव्यूज़ के अंदर, किस तरह से आपने तैयारी करनी है अगर आपका इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ, या फिर कोई और इंटरव्यू जो आपने SPSC के अलावा देना है, तो उसके लिए भी आपको इस वीडियो में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, सबसे पहला सवाल आपसे किया जाता है आपके इंट्रोडक्शन का, और इंट्रोडक्शन के अंदर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आप जो है वो इंट्रो को ऐसी जगह ला के छोड़ें जो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। या फिर आप जो है वो इंट्रो में अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी बता सकते हो। तो यहाँ से ये ओपन एंडेड जो सवालात होते हैं, ये वो पॉइंट होता है, ये वो जंक्शन होता है जहाँ पे आपने इंटरव्यू को अपने हिसाब से लेके चलना होता है, ठीक है। अच्छा, अब इंटरव्यू में आप ये जब इंट्रो अपना बता देते हैं, अगर आप फैमिली बैकग्राउंड नहीं बताते तो वो आपसे पूछ लिया जाता है आपके फैमिली मेम्बर कितने हैं और तमाम चीज़ें, बहन भाई क्या करते हैं, वालदेन क्या करते हैं। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके इंटरव्यू का, वो होता है एजुकेशनल बैकग्राउंड, और बाकी तमाम पैनल की तरह SPSC भी जिन लोगों का प्रोफेशनल करियर नहीं है उन लोगों से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल कर रहा है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था जिसका सिविल इंजीनियरिंग थी, तो उससे कंस्ट्रक्शन के हवाले से, साइट के हवाले से सवालात किए गए। इसी तरह जो है वो कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में है, तो उससे अद्वियात के हवाले से सवालात कर लिए जाते हैं। MBA किया हुआ है आपने तो सप्लाई चेन में है, तो फिर आपसे जो है वो पूरा उसी हिसाब से सवालात किए जाते हैं, ठीक है। वहाँ वो आपको चेक कर रहे होते हैं कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो कितना स्ट्रांग है। उसके बाद जिन लोगों का प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हो चुका है उनसे इस हवाले से सवालात किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था जो कि पावर सेक्टर से एसोसिएट है, तो उससे जो सवालात किए गए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। पूछा गया आपकी JDs क्या हैं, ठीक है, आप जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं अपने पावर प्लांट में, देन शॉर्ट कमिंग्स ऑफ पावर सेक्टर बताएँ कि जी शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसी तरह से इलेक्ट्रिक टैरिफ जो है वो क्या है, ठीक है, किस तरह से आपको बिजली जो है वो आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं और आपको कितने की मिल रही है, और अगर इतना डिफरेंस है तो वो क्यों है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें इसी तरह से आप जो भी जॉब करते हैं आपसे उस हिसाब से सवालात होंगे, तो उसको अपनी JDs को ठीक से तैयार कीजिएगा। क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। अब आ जाते हैं जो फील्ड स्पेसिफिक क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे किस तरह के सवालात हो रहे हैं। तो कुछ सवालात मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ टाउन कमेटी, ये टाउन कमेटी क्या होती है, ठीक है, और आप जो है वो इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद म्यूनसिपल कमेटी क्या होती है, इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या होती हैं, और अगर आप आ जाएँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न आपसे पूछी जा सकती है इनकी, ठीक है, और जो पूछी जा रही है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा जो है अगर आप फील्ड स्पेसिफिक बात कर लें तो फिर जो है वो जो अभी लोकल बॉडी के जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है उसके हिसाब से जो तब्दीलियां हुई हैं उसमें लोकल बॉडी के चेयरमैन कौन हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्या होती है, इस तरह के सवालात आपसे जो है वो पूछे जा रहे हैं। ये वो तमाम सवाल हैं जो कि मुझे मौसूल हुए और ये पूछे गए, और इसके जवाब भी मैं आपको बता देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो होती है, देखें एक जो नंबर ऑफ पीपल होते हैं उनको हम वार्ड कहते हैं, ठीक है। वार्ड मिलके आपकी UCs बनाते हैं और UCs मिलके आपके टाउन बनाते हैं, ठीक है। टाउन में यूजली 50,000 तक की आबादी होती है। टाउन के बाद फिर जो है वो आपकी म्यूनसिपल कमेटी होती है जिसमें 50,000 से लेकर 3.5 और 3 लाख तक की आबादी होती है। उसके बाद जो है फिर आपका डिफरेंस जो है वो क्या होता है, तो डिफरेंस बहुत सिंपल है कि रूरल एरियाज़ में जो है वो यूनियन काउंसिल होती है, अर्बन एरियाज़ में यूनियन कमेटी होती है। इसी तरह फिर आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो क्या हैं, कितनी होती हैं, ठीक है, और फिर आपका जो है वो मेट्रोपॉलिटन जो वो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कौन सी होती हैं, तो अगेन ये भी फिर आपकी जो आबादी है वो 3 लाख से 50 लाख तक जो है वो फिर आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आती है, और फिर उससे ऊपर जो है वो
आपकी मेट्रोपॉलिटन जैसे आपका कराची है, ठीक है, तो अगेन आपसे फिर ये पूछा जा सकता है सिंध की जो डिवीजन्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कैसे हैं, ठीक है, इसमें कितने जो है वो डिवीजन्स हैं, ठीक है, कितनी मेट्रोपॉलिटन है, कितनी जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं, तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। देन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं कि जी आप देखें कि जी ये सवाल तो बहुत ज़्यादा लोगों से पूछा गया कि जो बजट है हमारे पास वो नहीं है, बजट डेफिसिट है, और बजट डेफिसिट के अंदर आप जो है वो किस तरह से एज अ टाउन ऑफिसर या एज अ म्यूनसिपल ऑफिसर आप जो है वो इस राजात पूरे करेंगे, तो आप उसमें अपना पूरा प्लान्स बना सकते हैं, वो बता सकते हैं कि ये मेरे प्लान्स हैं, मैं बिजनेस इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ, या मैं जो है वो अपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ फोकस रखता हूँ, या फिर टैक्सेस लगाऊंगा तो वो किस तरह से मैं जो है वो कलेक्ट करूँगा, टैक्स टू जीडीपी रेशियो इतना है इसको बढ़ा सकता हूँ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान आप अपने बता सकते हैं। इसके बाद आ जाए जनरल नॉलेज के सवाल। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे भी थे कि भाई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो अब आप बताएं कि इन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से जो भर्तियां हुई हुई हैं और काम लेने में आप किस तरह से जो है वो अपने आप को अपनी जिम्मेदारियों को कैसे इफेक्टिवली पूरा करेंगे, तो उसके भी आपको डिप्लोमेटिक किस्म के जवाब देने होंगे। देन जनरल नॉलेज के कुछ सवाल भी पूछे गए कुछ एस्पायरेंट्स से, ठीक है, उसमें आप ये देख लें सबसे इम्पोर्टेंट कि केयर टेकर गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्रीज मिली हैं, ठीक है, इसके अलावा पीएफसी का चेयरमैन कौन होता है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है आपकी, उसका चेयरमैन होता है आपका प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो होता है वो आपका उसका चेयरमैन होता है। मिनिस्ट्रीज जो है वो किस किस को अभी मिली हैं, लोकल बॉडी के जो अभी चेयरमैन है वो कौन है, इसके अलावा सेक्रेटरीज जो हैं उनके हवाले से उनके नाम पूछे जा सकते हैं, और अभी जो आपकी जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, किसी से जो है वो अनवारुल हक काकड़ के बारे में भी सवाल किया गया कि जी ये पहले क्या थे, और इसके बाद जीके में जो और सवाल हुए, कैपिटल्स पूछे गए हैं कुछ लोगों से, करेंसीज पूछी गई हैं, पाकिस्तान स्टडीज से भी सवाल किए गए हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन से भी सवाल किए हैं, क्योंकि जो लेटर आया था उसके ऊपर जो लिखा गया था उसमें इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस लिखा हुआ था और जीके लिखा हुआ था, तो ये सवालात हो रहे हैं, ठीक है, रैंडम, जिन लोगों को वो यहाँ पे ज़्यादा सवालात नहीं कर पाते ऊपर उनको फिर वो जीके के अंदर जो है वो ज़्यादा सवालात करते हैं, तो इसमें जो प्रोपोर्शन है वो डिफरेंट हो सकता है, अगर आपका प्रोफेशनल करियर ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ पे आपसे ज़्यादा सवालात हो सकते हैं, फील्ड स्पेसिफिक क्वेश्चन तो सभी से हो रहे हैं, ठीक है, और अगर वहाँ पे जो है वो आप सही जवाब देते हैं तो फिर आगे मजीद भी सवालात आपसे किए जाते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी हद तक इम्कान होते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट है भले, लेकिन इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आप अपना बेस्ट करें, बाकी जो आपके नसीब में अल्लाह ताला ने लिखा होगा वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आखिर में आज का पैगाम, मायूस तो वो हो जिसका खुदा ना हो, तो अल्लाह ताला से उम्मीद बनाए रखिए, वो जब हमें तौफीक देता है तभी हम कुछ कर पाते हैं, उसकी तौफीक के बगैर हम कुछ भी नहीं, लिहाजा उससे अपना ताल्लुक मजबूत करें, जब वो ताल्लुक मजबूत होगा तो ज़िंदगी में तमाम मुश्किलात आसान होने लगेंगी, और अगर मुश्किलात होंगी भी तो एटलीस्ट आपके अंदर जो है वो उनको बर्दाश्त करने का और उनको सामना करने का हौसला ज़रूर आ जाएगा, ज़्यादातर मुश्किलात आपकी ईमान की कमज़ोरी की वजह से। थैंक यू सो मच, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट ज़रूर भेजिएगा, और कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के हवाले से वीडियोस चाहिए हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि उनको अपलोड करूँ, लेक्चर जो हैं वो जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अपलोड करता हूँ, और तमाम चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ, और वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।